So normal distribution, that's the topic which is still going on, and we have discussed many problems in the previous classes. We will continue with some more typical illustrations. Now take down one more case in normal distribution. Please take down this question. It has been noticed that the score posted by Indian cricket team, score posted by Indian cricket team is according to normal distribution with mean 150 and variance 225. With mean 150 and variance 225. Full stop. छोटी सी चीज ध्यान रखिएगा, अगर कभी आपके पास वेरियांस गिवन है, जैसे कि इस केस में वेरियांस है 225, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा इसका स्क्वायर रूट, तो 225 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 15. तो वेरियांस जब भी गिवन होगा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इमीडिएटली स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आएगा, वो हमेशा वेरियांस का स्क्वायर रूट कर देंगे. तो छोटी सी बात ध्यान रखिएगा दैट व्हेनेवर वेरियांस इज गिवन यू हैव टू हैव द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरियांस. दैट मींस अगर वेरियांस आपके पास 64 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, 64 का स्क्वायर रूट यानी कि 8. ओवर हेयर वेरियांस 225 है, पहली वैल्यू होती है हमेशा मीन वैल्यू जिसको डिनोट करते हैं म्यू से, और जब भी ऐसे ब्रैकेट में वैल्यू गिवन होगी दूसरी वैल्यू आपको अज्यूम करनी पड़ती है वेरियांस, दूसरी वैल्यू होती वेरियांस है, और वेरियांस जब भी होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका स्क्वायर रूट, जो कि इस केस में हो जाएगा 15. आगे लिखिएगा, तो आपने सबसे पहले लिखा था इट हैज बीन नोटिस्ड इन द वर्ल्ड कप 2020 that the score posted by Indian cricket team is according to normal distribution where mean is 150 and variance is 225. Variance 225 है, तो standard deviation हो जाएगा वहाँ पर 15. अब लिखिएगा next line में first part. Kindly take down the first part. What is the probability? That the Indian cricket team will score less than 170 on a given day. Second part. What is the probability that the Indian cricket team will score at least 140 on a given day. The Indian cricket team will score at least 140 on a given day. दो पार्ट है, दोनों कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, वेयर म्यू स्टैंड्स फॉर मीन वैल्यू. और यहां पर अगर आप नोटिस करें तो मीन वैल्यू एवरेज स्कोर इंडियन क्रिकेट टीम का दे रखा है 150. T20 वर्ल्ड कप का स्कोर मीन एवरेज स्कोर ऑफ इंडियन टीम इज 150, हैविंग अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड ओवर हियर स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 15. वेरियंस 225 था तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा यहां पर उसका स्क्वायर रूट, दैट इज 15. अब मीन है आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन है एक्स,
इट कीप्स ऑन चेंजिंग। फर्स्ट पार्ट में x अलग है, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इंडियन क्रिकेट टीम विल स्कोर लेस देन 170 ऑन अ गिवन डे। तो अब यहाँ पर लेस देन 170 है, या फिर कभी ऐसा हो नॉट मोर देन 170 पूछा जाए, तो नॉट मोर देन 170 और लेस देन 170, अप टू 170, एट मोस्ट 170, वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। लेस देन 170, अप टू 170, अप टू मतलब 170 रन तक ही बना सकते हैं, एट मोस्ट 170, या फिर नॉट मोर देन 170, राइट। निकालेंगे कैसे, अब 170 हो जाएगा यहाँ पर x, न्यू है आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो भी आपको न्यूमेरिकल फिगर दे रखी होगी अलग अलग पार्ट्स में वही रिप्रेजेंट की जाएगी x की वैल्यू से। तो सबसे पहले तो आपको डायग्राम में कर्व बताना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली एरिया किस पोर्शन का निकालना चाह रहे हैं। तो सेंट्रल वैल्यू ये तो रहती है हमेशा मीन वैल्यू, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिएगा, द सेंट्रल वैल्यू इज ऑलवेज द मीन वैल्यू, एरिया ऑन बोथ साइड्स इज ऑलवेज 50%, दैट इज 0.50, एंड द कर्व रिमेन्स ओपन ऑन बोथ साइड्स, और साथ ही साथ द शेप ऑफ दिस कर्व इज अ बेल शेप्ड कर्व, इट्स अ बेल शेप्ड कर्व, सेंट्रल वैल्यू इज ऑलवेज द मीन वैल्यू, एरिया ऑन बोथ साइड्स इज 50%, दैट इज 0.50। अब अप्लाई करते हैं हम अपने मेन फॉर्मूले को, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो x कितना है हमारे पास, x इज 170, तो 170 को शो करना पड़ेगा, 170 का होगा 150 के आगे, ये वैल्यू हो जाएगी 170, राइट। ऑब्वियसली बात है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 170, 170 कहाँ होगा, 150 के बाद में, अगर 110 120 होता तो 150 से पहले दिखाते आप, तो 170 का होगा 150 के आगे। लेकिन आपको किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेस देन 170, तो लेस देन 170 मतलब ये पूरा एरिया शेडिंग में आ जाएगा, राइट, 170 से कम, ये वाला पार्ट 170 से कम है, यहां तक कि पूरे 140, 130, 120 ये सब 170 से कम ही माना जाएगा। तो सबसे पहले तो हम अप्लाई करते हैं 170 माइनस न्यू कितना था हमारे पास, 150 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन था 15, सॉल्व कर रहे हैं अब हम इसे, तो 170 माइनस 150, 20 अपॉन 15, नाउ 20 अपॉन 15 विल बी इक्वल टू 1.33। अब इसको आप स्प्लिट करेंगे, 1.33 विल बी स्प्लिट एज 1.30 प्लस 0.03। अब इसको आपको अपने टेबल में देखना है, हमेशा ध्यान रखिएगा सेकंड डेसिमल प्लेस को हटाकर अलग करते हैं आप, यहां तक कि अगर 1.53 होगा तो 1.5 प्लस 0.03 करते आप, अगर 1.75 होता तो 1.70 प्लस 0.05 कर देते आप, सेकंड डेसिमल प्लेस को हटाकर अलग कर देना है, राइट, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बड़ी वाली वैल्यू को तो ऑब्जर्व करेंगे रो वाइज, मेजर वैल्यू रो वाइज और माइनर वैल्यू कॉलम वाइज। कैसे ऑब्जर्व करेंगे, जीरो से शुरू करिएगा, 1.0 आएगा, 1.3 के सामने और यहां पर 01, 02, 03 के नीचे। तो अगर आप 1.3 के सामने और 0.03 के नीचे देखेंगे तो यहां पर वैल्यू नजर आएगी 0.4082, राइट। अपने अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स को ओपन कीजिएगा, आपने से सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी सीन इट एंड दे आर करेक्टली टेलिंग द वैल्यूज, दैट इज 0.4082, 1.3 के सामने और 0.03 के नीचे वैल्यू नजर आ रही है 0.4082, राइट। देखिएगा सभी स्टूडेंट्स अपने अपने टेबल्स में और चेक करिए वो वैल्यू 0.4082 आ रही है या नहीं आ रही, गेटिंग इट। नाउ ये जो प्रोबेबिलिटी आई है 150 और 170 के बीच की आई है, दैट इज 0.4082, सो वी हैव द प्रोबेबिलिटी बिटवीन 170 एंड 150। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपका टोटल एरिया शेडिंग में आया है जिसकी वैल्यू है 0.50, तो फाइनल आंसर क्या होगा,
अगर इसका टेबल वैल्यू आया है 0.4082, उसमें 0.5 ऐड कर देंगे आप, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 0.9082। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है नोट करिएगा, पहले तो ये डायग्राम कैलकुलेशंस और उसके बाद लिखिए इसका फाइनल आंसर। डन, लिखिएगा द टेबल वैल्यू ऑफ जेड, द टेबल वैल्यू ऑफ जेड एट एट 1.33 इज 0.4082 इज 0.4082 फुल स्टॉप। थस वी कैन कंक्लूड दैट, थस वी कैन कंक्लूड दैट द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट द, दैट द इंडियन क्रिकेट टीम विल स्कोर, द इंडियन क्रिकेट टीम विल स्कोर लेस देन 170, लेस देन 170 ऑन अ गिवन डे, ऑन अ गिवन डे इज 0.4082 प्लस 0.5, 0.4082 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 0.9082 और 90.82%। अब नोट कीजिएगा यहां तक, फिर सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इंडियन क्रिकेट टीम विल स्कोर एटलीस्ट 140, राइट? चेक कीजिएगा क्या लिखा था, द इंडियन क्रिकेट टीम विल स्कोर एटलीस्ट 140 ऑन अ गिवन डे। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तो फिक्स रहेगा। सेकंड पार्ट इज इंडियन टीम विल स्कोर एटलीस्ट 140, तो 140 क्या हो जाएगा एक्स, बिकॉज एक्स कीप्स ऑन चेंजिंग व्हाइल द रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स दे रिमेन सेम। तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाया, सेंट्रल वैल्यू तो रहेगी हमेशा 150, दोनों तरफ का एरिया दैट विल बी इक्वल टू 0.50। अब 140 का होगा 150 के आगे या पीछे, ऑब्वियसली 150 से पहले, तो 140 एटलीस्ट 140 का मतलब हुआ कि 140 से ज्यादा, तो 140 से ज्यादा मतलब 150 से भी ज्यादा, 160, 170, 180, 190, 200 तक बना सकते हैं। कभी कभी इंडियन क्रिकेट टीम चल जाए विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी और स्ट्राइक करें, दे कैन एक्सीड द टोटल ऑफ 200। तो एटलीस्ट 140 का मतलब क्या हुआ, 140 या 140 से ज्यादा, राइट? तो अब इसके लिए सबसे पहले तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो कि था एक्स माइनस न्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स अब हो गया 140, न्यू 150 और स्टैंडर्ड डेविएशन था एज यूजुअल 15। सॉल्व किया फर्दर इसे तो ये आ जाएगा माइनस 10 अपॉन 15, 2/3 दैट इज माइनस का 0.67। नाउ सिंस यू डू नॉट हैव नेगेटिव वैल्यूज इन द टेबल, यू विल हैव टू टेक द मॉड्यूलस, आपको हमेशा मॉड्यूलस लेना पड़ेगा एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस अमाउंट इज 0.67। इसको स्प्लिट किया जाएगा 0.60 प्लस 0.07, सेकंड डेसिमल प्लेस को हटाकर अलग कर देंगे आप, 0.60 प्लस 0.07 ये तो आ जाएगी वैल्यूज। अब मेजर वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे आप रो वाइज पहले की तरह से और माइनर वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे कॉलम वाइज, इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। तो एक बार फिर से टेबल ओपन करिएगा, आपको देखना है अब 0.6 के सामने पहले स्प्लिट करना है सभी को, सेकंड डेसिमल प्लेस को हटाकर अलग करना है, मतलब अगर 0.84 होता तो 0.80 प्लस 0.04 कर देते, सेकंड प्लेस को आपको सेपरेट कर देना है। अगर 1.35 होता तो 1.30 प्लस 0.05 कर देते आप, 0.67 था 0.60 प्लस 0.07। अब इसको ऑब्जर्व कैसे करना है, बड़ी वाली वैल्यू को तो रो वाइज देखेंगे आप 0.6 के सामने,
और माइनर वैल्यू को कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज 0.07 के सामने, आई मीन 0.07 के नीचे और 0.6 के सामने जो वैल्यू ऑब्जर्व करिएगा, आप सबकी वैल्यू आ रही है ये 0.2486, 0.6 के सामने 0.07 के नीचे वैल्यू आ रही है 0.2486, दैट मींस 140 और 150 के बीच का तो वैल्यू आ रहा है 0.2486। ये ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूले से तो हमेशा बीच का आंसर निकलेगा, लेकिन आपको तो एटलीस्ट 140 मतलब आगे तक का निकालना है। आपको मालूम है आगे तक का एरिया कितना है 0.50, इनका टोटल किया तब फाइनल आंसर होगा 0.7486, राइट। अब लिखिएगा इसका कंक्लूजन सेकेंड पार्ट का। पहले तो डायग्राम नोट कर लीजिएगा, डायग्राम नोट करने के बाद फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेशन परफॉर्म करके आंसर आ रहा है आपका 0.67, उसको स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद अपने टेबल में ऑब्जर्व करिएगा और वो वैल्यू आ रही है 0.2486, नोट कर लीजिएगा, देन टेक डाउन द कंक्लूजन। ओके डन, लिखिए इसका कंक्लूजन। द टेबल वैल्यू ऑफ जेड, द टेबल वैल्यू ऑफ जेड एट 0.67 is 0.2486 is 0.2486 full stop. Thus we can conclude that the probability that the Indian cricket team will score, at least 140 on a given day is 0.2486 plus 0.5 is equal to 0.7486। कभी परसेंटेज में आपसे पूछें तो यू कैन मल्टीप्लाई द वैल्यू बाय 100, यू विल गेट द आंसर इन परसेंटेज। सो द प्रोबेबिलिटी दैट द इंडियन टीम विल स्कोर एटलीस्ट 140 ऑन अ गिवन डे विल बी इक्वल टू 0.7486।